Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कुरम एजेंसी से बाजियाब कैनेडियन खानदान बरतानिया रवाना हो गया। खानदान की आईए की परवाज 786 से रवाना हुआ, गुज़श्ता रोज पाक कराया था। साल 2012 में अफगानिस्तान से इक्वा किया गया। अमरीकी वजीर दिफा जिस कहते हैं पाकिस्तानी फौज ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई, ये बहुत ही मुस्बत इकदाम है। पाकिस्तान से मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान पर तनकीद करने वाले ट्रंप भी गुज़श्ता रोज मुगवियों की बाज़ियाबी पर पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हो गए थे। And I want to thank the Pakistani government. I want to thank Pakistan. And I want to thank the Pakistani government. I want to thank Pakistan. And I want to thank the Pakistani government. I want to thank Pakistan. लाइन ऑफ कंट्रोल पूंछ अब्बासपुर सेक्टर पर भारतीय फौज की फिर आबादियों पर फायरिंग, लोग घरों में महसूर। एलओसी पर भारतीय फौज की फायरिंग से चार रोज में 7 कश्मीरी शहीद हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस फिक्री कहा, दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन है, पाकिस्तान अमरीका समेत तमाम ममालिक को बाहिमी तआवुन से दहशतगर्दी को शिकस्त देना होगी। नैब कानून के तहत असासे जितने भी हो, जुर्म एक तस्वुर होता है। सुप्रीम कोर्ट 3 रेफरेंसेस को एक रेफरेंस में बदलने का हुक्म दे। नवाज शरीफ ने नैब रेफरेंसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। विफाक वजारत कानून और नैब से नहीं जाने देंगे। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड की पेशी पर एहतसाब अदालत के अंदर और बाहर बदनज़मी। अदालत के अंदर वकला की नारेबाजी, जज मोहम्मद बशीर उठकर चले गए। बगैर कार्रवाई के समात 19 अक्टूबर तक मुलतवी। जुडिशियल एकेडमी के गेट पर सिक्योरिटी एहलकार को थप्पड़ मार दिया गया, धक्के भी दिए गए। शरीफ खानदान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हंगामा आरई की तहकीकात का हुक्म दिया। इस्लामाबाद को फौरी तहकीकात करने की हिदायत। हंगामा आरई की आड़ में नैब टीम पर हमले की कोशिश की गई। सरबरा प्रोसिक्यूशन टीम मुजफ्फर अब्बासी को धक्के दिए गए। नैब प्रोसिक्यूशन टीम की हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट। वजारत दाखिला आज के वाकये की तहकीकात कराए, देखना होगा इसके पीछे क्या मुहरिकात हैं। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने लीगी रहनुमाओं से नैब रेफरेंसेस और सियासी सलाह मशवरा भी किया। चौधरी मुनीर की रिहाइशगाह पर लीगी कारकुन मरियम नवाज से मिलकर खुश, नारे लगाए, सेल्फीज भी बनाई। तलाल चौधरी कहते हैं अदालत कार्रवाई सबसे महत्तरम है, इदारे और सियासतदान सूरतेहाल का अदराक करते हुए काम करें। कोशिश है आइंदा बदनज़मी का कोई वाकया पेश न आए। वकला के साथ बैठकर लाए अमल तैयार करेंगे। आबिद शेर अली ने कहा कि आज के वाकये की तहकीकात होगी, वकला को भी अदालत में दाखिले की इजाजत होनी चाहिए। हंगामा आरई के बाइस शरीफ फैमिली पर फर्दे जुर्म आयद ना हुई। हमने तो कभी अदालत ने ऐसा नहीं किया। क्या हमारे लिए अलग और शरीफ फैमिली के लिए अलग कानून है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसम का सवाल। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का नाम ईसीएल में डाला जाए, पीटीआई रहनुमा का मुतालिबा। पेशावर में तहरीक इंसाफ का पंडाल सज गया, कुर्सियां लग गई, स्टेज भी तैयार। इमरान खान कारकुनों का लहू गरमाएंगे कुछ देर। कोयटा में दहशतगर्दी, गुलबर्ग स्ट्रीट पर पुलिस एहलकारों पर मुसल्ला अफराद का हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद और दो जख्म। दिखाने से बाज न आया, कराची और सिंध के गर्मी की लहर बरकरार। शहर कायद में पारा 40 डिग्री पर पहुंच गया, 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान।